अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे हेलो बोलते होलो हेलो हेलो तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम अलियान को हम स्कूल से लेने जा रहे हैं और आगे का थोड़ा सा प्लान था मेरा जो हर मंडे को जो है ना स्किप हो जाता है हस्बैंड को मेरी छुट्टी होती है जो यहाँ बैठे हुए हैं अभी मंडे को तो काफ़ी मंडे पीछे गुजर गए हैं जिसमें मैं प्लानिंग कर रही थी कुछ सर्दी का मसला था सर्दी बहुत ज़्यादा थी पर आज मैंने प्लान कर लिया मैंने कहा आन को आप लेने जा रहे हैं तो साथ मैं भी जाऊँगी और एक जगह जाना आउटिंग करने के लिए तो वो भी आपको दिखाएंगे तो बस अभी जा रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं बाए बाए कर दो। बोलो मम्मा के साथ रहना है सारा ब्लॉग देख रहे जी यहीं से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर तो अलियान के स्कूल हम लोग पहुंच चुके हैं छुट्टी हो चुकी थी हम लोग टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स लेट थे वो सामने आपको एग्जिट गेट नजर आ रहा होगा वहाँ से हम लोग निकलेंगे ना बिल्कुल सामने आर्मी म्यूजियम है तो वहीं जाने का हम लोगों का प्लान है पर पहले इनके पापा जाके अलियान को ले आए उसके बाद आप लोगों को विजिट करवाएंगे आज हम लोग आर्मी म्यूजियम का आ गए चलो बैठो अलियान अरे हमने सैर करने जाना है भाई को दो थोड़ी सी भाई दे दो हां ये मुझे दे दो। बताओ अहां। ये टाई को क्या किया हुआ कहां जा रहे हैं सामने जा रहे हैं? आर्मी म्यूजियम हैं है। ग्रीन वाले, येलो वाले ये देखें भाई आर्मी के म्यूजियम के ना यहां पे टैंक खड़े हुए हैं तो बस यहीं पर हम लोग जा रहे हैं फ्राइडे क्लोज़ होता है यहाँ पर मंडे टू थर्सडे आप आ सकते हैं सैटरडे भी आ सकते हैं ये देखिए सो अंदर जाते हैं अंदर जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा लगेगा व्यू और आप लोग अगर विजिट करना चाहें तो मंडे टू थर्सडे के बीच में आप लोग विजिट कर सकते हैं क्या टाइमिंग है ट्वेल्व टू फोर है ना फोर थर्टी ट्वेल्व टू फोर थर्टी इनकी टाइमिंग है तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो सबसे पहला काम जो है वो है टिकट लेने का हाँ जी यहाँ पे टिकट परचेज़ करनी पड़ती है कितने की है ये मैं पूछना भूल गई थी आप लोग जो विजिट करें तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा उसके बाद सबसे पहले आता है पार्क ये बहुत बड़ा पार्क है आप लोग यहाँ पर आके पिकनिक मना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं जो आपने खाना पीना खेलना कूदना करना है वो सारा कुछ यहाँ पर कर लें क्योंकि आर्मी म्यूजियम के अंदर खाना लेके जाना अलाउ नहीं है किसी भी किस्म का कोई स्नैक चिप्स बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं जस्ट आप होंगे और आपके अगर हाथ में मोबाइल हैं तो वो होंगे हैंड भी अलाउ नहीं है आप लोग कुछ भी लेके नहीं जा सकते तो अभी बच्चे यहाँ पर स्नैक्स वगैरह खा रहे थे तो हम इनको कह रहे थे जल्दी से खा लो ताकि रैपर हम लोग बाहर डस्टबिन में ही फेंक कर जाएं उसके बाद हम लोगों ने अपनी चेकिंग वगैरह करवा कर अंदर एंट्री ले ली है और बच्चे आते सा इतने एक्साइटेड हुए थे खैरालियान तो अपने पापा के साथ एक दफ़ा विज़िट कर चुका था लेकिन हम लोग आए थे अब सबसे पहले यहाँ पे खड़े हुए टैंक्स ये 1965 की जो जंग हुई थी ना वहाँ से ये इंडिया वालों से इन लोगों ने कब्ज़े में लिए थे जो यहाँ पर हिस्ट्री के मुताबिक लिखा हुआ था तो ये इंडिया के टैंक्स हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह हर चीज़ चारों तरफ इसके सेंटर में जौनसन म्यूजियम वाला एरिया है और चारों तरफ इसी तरह की टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह इस तरह के खड़े हुए हैं बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं तो यहाँ पर ये यह अपने पापा से मुशक्क़त करवा रहे थे कि हम लोगों को उठाएं और इसके ऊपर चढ़ाएं ताकि हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा सकें तो बड़ी मुशक्कत के बाद ये तीनों ऊपर चढ़े लेकिन जब मैं घूम के पीछे आई तो पता लगा जी यहाँ पर तो स्टेयर्स थी ऊपर चढ़ने के लिए मैंने कहा लो जी ये तो वही हो गया ना कि उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया तो बाद में ये लोग आराम से सीढ़ियों से उतरे पहले मुशक्कत करके ऊपर चढ़े थे खैर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे आए यहाँ पे ये यह हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए थे इसके अंदर तो बकायदा इन्होंने दो बंदे बैठाए हुए थे मतलब नकली बंदे जो स्टैचूज होते हैं और बच्चे यहाँ सब सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे दूर दूर सभी टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स थे बीच में ग्राउंड था ताकि बच्चे ईजिली खेल सकें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सोचा आप लोगों को सारा दिखा दे और ये जो सामने वाला हेलीकॉप्टर है ना जस्ट ये एक वाहिद है जिसको आप अंदर से देख सकते हैं पर बगैर टिकट के नहीं टिकट लेकर तो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया था टिकट लेने के लिए तो यहाँ पर ये उसकी टिकट्स ले आए थे इस तरह के पासिस बने हुए हैं हंड्रेड रुपीज़ में ये मिलते हैं हंड्रेड रुपीज़ मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आपने जस्ट दो मिनट के अंदर विज़िट करना होता है बहरहाल करना तो था ही ये देखें ये है भाई हेलीकॉप्टर के अंदर का व्यू बहुत ही ख़राब तीन हेलीकॉप्टर है ये पीछे की सीट्स हैं ये साइड वाली सीट्स हैं दिखाएं सर मैं भी दिखाऊं अरे बैठो सीट पे आप बाहर आ जाए और यहाँ पे सारी। हेलो बैठो वहाँ पर आहा, अरे हेलीकॉप्टर चलाना है ये तो सारा उड़ा पड़ा है यहाँ से खैर वहाँ से हम लोग निकले तो बच्चे यहाँ पर आके जीप में बैठ गए थे अलग अलग चीज़ें ये लोग ना देख रहे थे कि हम ना सब पे बैठ कर तो इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करें बच्चों के लिए बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है और सबसे मेन चीज़ थी यहाँ सुकून बहुत था मतलब बहुत कम कम लोग गए हुए थे शायद मंडे था इस वजह से ये भी रीज़न हो सकता है खैर ये इसकी जो सी है ना एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पे भी सारे टैंक्स खड़े हुए हैं और एग्जिट पॉइंट वाली साइड पे ना इनकी कैंटीन बनी हुई है और वाशरूम एरिया भी इधर ही था बच्चों ने वाशरूम जाना था तो हम लोग भी अंदर चले गए तो यहाँ पर वाशरूम के बाहर आप देख सकते हैं बहुत प्यारी यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई थी सारी जो पुरानी हिस्ट्री होती है ना उसकी पिक्चर्स लगी हुई थी मैं वीडियो बना रही थी तो ये भाई ने मुझे मना कर दिया कहते मैम अलाउ नहीं है वीडियो बनाना उसके बाद हम लोग घूम के जो है ना फर्स्ट जोन सी फ्रंट वाला एरिया था वहाँ पर गए वहाँ से हम लोग अभी अंदर आए हैं तो ये एरिया है मैं यहाँ पे छुप छुप के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाना लाओ नहीं है लेकिन आप अगर चाहें तो छुप छुप के बना सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी जनरल वगैरह गुजरे हैं ना उन सब की यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई हैं जनरल मुशरफ भी थे इसके अंदर तो जो जो उनसे सन उनके गुजरे हैं वो लगा हुआ था यहाँ पर उसके बाद हम लोग आगे आए तो यहाँ पर सारा उन्होंने दिया हुआ कि किस तरह से जंगे हुई और कैसे लड़ते थे ये हाथी के ऊपर और तलवारें भाले ये सब कुछ होते थे और इस वॉल पे ना सारी कायदे अजम की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो जो मतलब उनका सियासत में टाइम गुजरा उसकी सब पिक्चर्स लगी हुई थी तो ये देखें इतने प्यारा इन्होंने ये मोमेंट बनाया हुआ ना और मैं जो देखने आई थी ना वो ये चीज़ थी क्योंकि मेरी खाला वगैरह होकर गई थी और लिटरली इस चीज़ को देख के ना वो रो पड़ी थी और उन्होंने मुझे लाजमी कहा था कि आप जाकर देखना कि इतना ये दर्दनाक मंज़र है ना जब जंग के बाद पर सब लोग ट्रेन पर चढ़ के तो आए थे तो ऐसे लगता है जैसे रियल में ये सारा मंजर है तो मैंने यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई क्योंकि मुझे ना पीछे से वो ऑफिसर मना कर रहे थे कि आप वीडियो नहीं बनाए मैम तो आप लोगों को मैंने कहा दिखा दूँ या किस तरह का ये मंज़र है इतना दर्दनाक कि फ़ील होता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे नक्शे वगैरह देखने आ गए और इसके बाद हमने एक मज़ेदार सी चीज़ देखी जो मैं भी आप लोगों को दिखाती नहीं बल्कि सुनाती हूँ डरिया गनाई प्लेस यहाँ पर इन्होंने एक रूम बनाया हुआ था जिसके अंदर ये सारा साउंड सिस्टम था कि जब जंगे होती थी तो किस तरह की आवाज़ें आती थी ना बुलेट्स और धमाकों की सारी तो वो हमें एक भाई लेकर गए उन्होंने हमें दिखाया उसके बाद हम लोग आगे आए ये सया चीन का है जहाँ पर ये इग्लू बनाकर अंदर रहते थे जंगों के टाइम पर किस तरीके से अपने आप को कवर अप करके कितना मुश्किल टाइम होता था इन लोगों के लिए सब चीज़ें इतनी अट्रैक्ट कर रही थी हस्बैंड मेरे बच्चों की पिक्चर्स खींच रहे थे साथ साथ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलियन बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा था कि पापा ये क्या है ये क्या है यहाँ क्या हुआ था अगर आप लोगों ने उनकी नॉलेज में इजाफा करना है ना तो ये बहुत बेहतरीन है उन्हें बताने के लिए बल्कि हमें खुद भी पता लगता है हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम खुद भी नहीं जानते उसके बाद बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा इन्होंने ये पॉइंट बनाया हुआ था जिसमें बड़ी प्यारी सी ये रेड सी लाइट्स लगी हुई थी और ये पूरा घूम के आगे निकलना था निकलने के बाद ना सारी पिक्चर्स थी मतलब ये पूरा एरिया जो आपने घूमना था ना सारा पिक्चर्स वाला एरिया था जो जो शहीद हो चुके हैं जो जो मतलब वाक़ात गुजर चुके हैं जिनको जानी नुकसान हुआ जो न्यूज़पेपर के कुछ वर्क थे आप देख सकते हैं कितनी सारी पिक्चर्स हैं और इसमें इतनी नॉलेज है ना सारा ये लिखा हुआ था और यहाँ पे भी सारे शहीदों की पिक्चर्स थी और सबसे मेन जो ये देख के मुझे दुख हुआ था जो दिसंबर में हमारे जो आर्मी स्कूल के बच्चे थे शहीद हुए थे उनका यहाँ पे ये यह बस्ता शूज़ कॉपीज़ वगैरह रखी हुई हैं इतना ये दिल को मेरे लगा ना कि मतलब कि वो सारा टाइम पुराना ना वो दिमाग में याद आता आपको कि क्या क्या हुआ था अल्लाह ताली उनके माँ बाप को सबर दे उसके बाद हम लोग आगे आए तो यहाँ पर ये दहशत का उन्होंने बनाया हुआ था कि किस तरीके से वो अपने असले वगैरह रख के तो यहाँ पर इस तरह से रहते थे उनका जो रूम किस तरह का होता था वो बनाया हुआ था तो ये सभी चीज़ें थी फिर हम लोग यहाँ गन्स में आए ये सारी औरिजनल गन्स हैं और इतनी ज़्यादा थी ना कि वो लास्ट रो तक आप देख सकते हैं गन्स ही गन्स थी जो सारी यहाँ पर जंग के टाइम की रखी हुई हैं खैर ये सब वो चीज़ें थी जिनकी मैं वीडियोस बना सकी थी पर जिनकी मैं वीडियो नहीं बना सकी उनकी मैंने पिक्चर्स ले ली थी क्योंकि यहाँ पर जस्ट पिक्चर्स लेना अलाउ हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को पिक्चर्स ही दिखा दी जाएँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ देखने वाली तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर उनको बताएँ कि पहले लोगों ने किस तरह से जंगे लड़के हमारे लिए मुल्क हासिल किया है तो बहुत ही मज़े की हमारा ये छोटा सा टूर कह लें छोटी सी पिकनिक कह लें बहुत ही अच्छी रही काफ़ी सारी हमने चीज़ें देखी और बहुत मज़ा आया लिटरली देखकर तो जिन लोगों ने नहीं देखी उनको मैंने बगैर टिकट के दिखा दी हैं वो मेरा थैंक यू कर सकते हैं तो आप लोग यहाँ पे लाज भी जाएँ बाहर आए बाहर आने के बाद बच्चे फिर से बैठ गए इसके ऊपर कि मम्मा अभी हमने ये देखना है मैंने कहा भाई तुम लोगों की मम्मा की बस हो चुकी है चल चल कर क्योंकि इतना ये बड़ा था ना और इतना चलना पड़ रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ऊपर से भूख भी इतनी लग रही थी तो हस्बैंड को बोल रही थी मैंने कहा बस अब घर चलें तो घर चलते हैं बच्चों को भी कुछ खिलाएं ख़ुद भी कुछ खाते हैं तो इतना था आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा उसका कमेंट भी करके बताइएगा अभी मुझे दें इजाज़त अल्लाह